ओम शांति। स्वयं भगवान ने परम सद्गुरु बनकर हम सभी को राजयोग सिखाया। जरा अपने भाग्य को देखकर आनंदित हो जाएं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए और उन्होंने योग की गुह्य से गुह्य विद्या हमें प्रदान कर दी। उसमें एक बात है कि उसने हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया, हमारे सोए हुए पवित्र संस्कारों को जागृत किया, हमें एहसास कराया तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम परम पवित्र हो, तुम इस धरा की महान आत्माएं हो। हम तो विस्मृति की नींद में सोए हुए थे, बाबा ने आकर हमें जगा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी पूरी तरह से जग चुके हैं। तो रोज सवेरे उठकर उठने के बाद हमें स्वयं को फिर से जगाना है, अच्छी तरह जगाना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को आवाज देना है, उठो, अपनी पवित्रता का आह्वान करना है, आ जाओ मेरे पास। ये महान कार्य रोज सवेरे सवेरे हमें करना है। तो उठने से तुरंत बाद ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके अपने को अनेक स्वमानों की याद दिलाएं। ये स्वमान हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाले हैं, यही हमें महान बनाने वाले हैं। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि बाबा तो केवल ये कहते हैं कि मुझे याद करो, बाकी चीजों की क्या बात है, क्या जरूरत है। लेकिन योग से हमारे भी कर्म विनाश होंगे, लेकिन स्वमान से हम सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। अकेले योग करने से हमें अच्छे अनुभव तो होंगे, नो डाउट, योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, परंतु वैरायटी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें नहीं होंगे। जबकि हमें आवश्यकता है हम अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त करें, अपने देव स्वरूप को याद करेंगे तो देवत्व की फीलिंग होगी, बहुत आनंद होगा, हमें महसूस होगा हमारे सुखों के दिन आ रहे हैं। हम कैसे थे, हम हीरो एक्टर्स थे, इसका हमें बहुत स्पष्ट आभास होने लगेगा अपने पूज्य स्वरूप को याद करने से। हमें आभास होगा कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो तो हम ही हैं। तब हमारा क्या स्वरूप है, हमारे चेहरों पर कितनी दिव्यता, कितना तेज, कितनी शांति और कितनी पवित्रता है। हमें महसूस होगा ये मैं ही हूँ, ये नशा चढ़ता जाएगा, इसको ही लोगों ने सो अहम तत्वम ऐसे मंत्रों के रूप में भक्ति में याद किया, लेकिन गलती ये कर दी कि स्वयं को भगवान मान बैठे, उसका स्वरूप मान बैठे। ये नहीं, हम देवता थे, हम पुनः देवता बन रहे हैं। ये सो अहम, अहम सो अहम, ये इसका अर्थ है। तो हम अपने को रोज जगाया करें, अपनी महानताओं की स्वयं को स्मृति दिलाया करें, अपनी शक्तियों की स्वयं को स्मृति दिलाया करें, ताकि हमें ये आभास रहे कि शक्तिशाली मैं हूँ, ये समस्याएं और परिस्थितियाँ शक्तिशाली नहीं हैं, बड़े हम हैं, बाकी ये सभी बातें तो बहुत छोटी हैं। तो आज सारा दिन हम स्वयं को जगा कर रखेंगे, विस्मृति की नींद में सोने नहीं देंगे और याद रखेंगे हमारा ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। स्वयं भगवान आए हैं हमें घर ले जाने के लिए, मुझे सब कुछ छोड़कर अब घर वापिस चलना है। तो अभ्यास करेंगे इस देह को छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम की ओर, धीरे धीरे मैं उड़ती जा रही हूँ,
पहुंच गई परम धाम, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे संपूर्ण चैन है, विश्राम है, यहाँ संपूर्ण सुख और शांति है। थोड़ी देर हम यहाँ स्थित होंगे, फिर महसूस करेंगे वहां से निकलकर मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ और आ गई अपनी देह में, भ्रकुटी की कुटिया में। ये जाने और आने का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।